हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरेन पर आपका स्वागत है। एडिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से मेवाड़ सीरीज से होगी, और यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं, सर्वप्रथम वह हमारे ग्रुप में ही प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करें ताकि आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच 1972 से कारोबार संबंधी करार लागू रहे हैं। आज की जरूरत के आधार पर सड़क, रेल, जलमार्ग को दुरुस्त करना आवश्यक हो गया है। यदि मार्ग सुगम बन जाता है तो बांग्लादेश हिंदुस्तान के सड़क, रेल, जलमार्ग से अपना सामान नेपाल और भूटान भेज सकेगा, और हिंदुस्तान बांग्लादेश के रास्ते से अपना सामान म्यांमार भेज सकेगा। इसका अच्छा असर पूरे क्षेत्र में दिखेगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि भूटान, नेपाल और म्यांमार दोनों मुल्कों के सीमा पार सामान भेज सकेगा। यह सब दोनों मुल्कों के अंदरूनी द्विपक्षीय बहुपक्षीय मामले सुलझाने पर ही संभव हो सकेगा। इससे दोहरा लाभ यह होगा कि पहला तो यह है कि समय की बचत होगी, और दूसरा कम समय लगने से सामान खराब होने की संभावना ना के बराबर होगी। इन तमाम सहूलियतों को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि इन इलाकों में सामान भेजने लाने का सिलसिला तेज होगा, और इन मुल्कों के आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे। जाहिर तौर पर इस कदम से दोनों मुल्कों के बीच कारोबार में भरपूर इजाफा होगा। यहाँ जिक्र करना मुनासिब होगा कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच यह करार करीब 3.5 दशक से लागू है, फिर भी दोनों मुल्कों के बीच दो तरफा कारोबार घटता जा रहा है। यह अंदाजा इस बात से लग जाता है कि बांग्लादेश करीब 5 अरब अमेरिकी डॉलर कीमती सामान हर साल आयात करता है, और औपचारिक तरीके से लगभग इतनी ही कीमत का सामान हमारे बाजार में और उतरता है। इस प्रकार यह उम्मीद यह है कि इस ऐतिहासिक करार में सुधार फलस्वरूप बांग्लादेश वस्तुओं की हिंदुस्तानी बाजार तक पहुंच आसान हो जाएगी। कश्मीर समाधान के मामले में पाकिस्तान की भूमिका के संदर्भ में क्यों ना कहा समझा जाए कि उसकी नीयत कभी सुधर नहीं सकती है। कश्मीर में आतंकी हमला और फिर पाकिस्तान दिवस पर अलगाववादियों को आमंत्रित किए जाने से साफ हो गया है कि पाकिस्तान भारत के ऐतराज की परवाह नहीं करता, जिसके चलते कथित कश्मीर समाधान की उम्मीद धुंधली होती जा रही है। जब पाकिस्तान अपनी फितरत बदलने को तैयार नहीं है, तो फिर दोनों देशों के बीच दोस्ताना
संबंध स्थापित हो सकते हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि तनातनी के रहते दोनों देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि भारत के साथ दोस्ती उसके हक में होगी, क्योंकि भारत हर क्षेत्र में पाकिस्तान से बहुत आगे है। सभापति महोदय, देश के संपूर्ण विकास की सफलता के संबंध में जनता का सक्रिय सहयोग होना बहुत आवश्यक है। ग्रामीण विकास के बारे में वांछित उद्देश्य जब प्राप्त किए जा सकते हैं, तब लोगों में निर्णय लेने और लाभ प्राप्त करने में स्वयं को भागीदार समझने की सामर्थ्य हो। आजकल जो विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, इन संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों की असफलता के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों में अनविज्ञता और असहयोग के कारण इन कार्यक्रमों का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है जो वास्तविक रूप से हकदार हैं। अतः इस संबंध में प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। महोदय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य अनपढ़ को अक्षर ज्ञान कराने के अलावा उन्हें जीवन के प्रति व्यवहारिक बनाना है। दूसरा मकसद परिवार के अंदर परंपरागत रूप से चली आ रही बुराइयों से बचाना है, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। आज भी हमारे समाज में अनेक बुराइयां मौजूद हैं। आज भी हमारा समाज बाल विवाह, नशाखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, नफाखोरी, सूदखोरी, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, चोर बाजारी, मिलावटखोरी, कर चोरी, दहेज प्रथा आदि से बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। हमें प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से बुजुर्ग लोगों को इन परंपराओं से होने वाली हानियों से अवगत कराना चाहिए, जिनसे वे प्रत्यक्ष रूप से जकड़े हुए हैं। मेरे विचार से इस कार्यक्रम का प्रमुख पहलू सामाजिक चेतना जगाना भी हो सकता है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि सरकार के माध्यम से संचालित हो रही गतिविधियों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंच सके। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन केंद्रों के माध्यम से ऐसी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिससे वे अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए कुछ सीख सकें। इन प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर उन्हें अपने क्षेत्र के आसपास चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण के अलावा बैंक और सरकारी सहायता के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त बेरोजगार लोगों को बैंक की तरफ से दिए जाने वाले ऋण और अनुदान के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ों को साक्षर बनाकर अपने रहन सहन का
स्तर ऊंचा उठाने में सक्रिय भाग लेने हेतु उत्साहित किया जाता है। स्टॉप। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।